हेलो गाइस, दिस इज चेतन वर्मा एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल CSP इंस्टीट्यूट। सो आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक और वीडियो रिगार्डिंग डायमेंशनल रिडक्शन। सो डायमेंशनल रिडक्शन के अंदर हम ये देखेंगे कि ये होता क्या है, फिर इसकी इम्पोर्टेंस क्यों है इतनी, फिर ये हम इसको करते कैसे हैं, डायमेंशनल रिडक्शन को करते कैसे हैं। जैसा कि हमें पता है कि मशीन लर्निंग के बारे में अभी तक हम देख रहे थे कि क्या होता है मशीन लर्निंग। तो मशीन लर्निंग एक फील्ड ऑफ स्टडी है जो कि अलाउ करता है कंप्यूटर्स को लर्न करना लाइक ह्यूमन विदाउट एनी नीड ऑफ एक्सप्लिसिट प्रोग्रामिंग। सो ये हमें मशीन लर्निंग के बारे में पता था। अब हम ये देखेंगे कि प्रिडिक्टिव मॉडल क्या होता है। एक तरीके पहला जो पॉइंट है वो हम देखेंगे कि प्रिडिक्टिव मॉडल क्या होता है। वन बाय वन हम एक एक को पढ़ते जाएंगे और फिर लास्ट में इन सबको जोड़ देंगे, ठीक है। सो प्रिडिक्टिव मॉडलिंग इज अ प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस। ये एक प्रोबेबिलिस्टिक प्रोसेस होती है, प्रोसेस होती है दैट अलाउज अस टू फोरकास्ट आउटकम। इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं, फोरकास्ट कर सकते हैं आउटकम्स को, फोरकास्ट आउटकम्स, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ सम प्रेडिक्टर। किसके आधार पे, सम प्रेडिक्टर के आधार पे, प्रेडिक्टर्स के आधार पे। दीज प्रेडिक्टर्स आर बेसिकली फीचर्स दैट कम्स इन टू प्ले व्हेन डिसाइडिंग द फाइनल रिजल्ट दैट इज द आउटकम ऑफ मॉडल। ये तब है एज ए इनपुट काम करते हैं ये, जिसकी मदद से हम आउटपुट ला पाते हैं, ठीक है। इसे ही हम, ये देखो हमारा प्रेडिक्टिव मॉडल हो गया जो कि किसके आधार पे काम करता है, जो भी हम इसको प्रेडिक्टर देते हैं एज एन इनपुट। अब दूसरा क्या है, डायमेंशन, डायमेंशनलिटी रिडक्शन, ठीक है। ये क्या है, हमें प्रेडिक्टिव मॉडलिंग समझ में आ गया, अब ये समझते हैं क्या है। सो इट इज द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ फीचर्स और डायमेंशन इन अ डेटा सेट वाइल रिटेनिंग एज मच इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। तो हम क्या करते हैं, जो नंबर ऑफ फीचर्स है, जो फालतू के फीचर्स है ना, वो जो एज ए प्रेडिक्टर हम देते हैं, तो वो बेसिकली फीचर्स देते हैं हम, कोई भी चीज के फीचर्स हो गए हमारे पास में। हम उसके फीचर्स को इतना कम कर देंगे एज एन इनपुट, जो एक्स एक्स एक्सेस है जो कि हमें वाई की वैल्यू देता है, तो हम जो एक्स एक्सेस के अंदर जो ये रो है X1, X2, X3 अप टू XN, तो इसकी जो डायमेंशन है, जैसे डायमेंशन मान लो कि RN है, तो N की साइज हम चेंज करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए कि 3D को हम 1D के अंदर लेके आना चाहते हैं, या फिर 100 डायमेंशन है हमारे पास में, उसको रिड्यूस करके हम 10 डायमेंशन में लेके आना चाहते हो। उसके जो इम्पोर्टेंट फीचर है वो 10 है, बाकी तो तब सब फालतू के फीचर है, तो उनको हम ऐसे कैसे छोड़ देंगे 10 फीचर्स को और बाकी सबको हटा देंगे। इन्फॉर्मेशन, जितनी इन्फॉर्मेशन रिटेन कर सके उतनी इन्फॉर्मेशन रिटेन करेंगे, बाकी सबको हम हटा देंगे, ठीक है। सो दिस कैन बी डन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन्स सच एज टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मॉडल। सबसे पहले तो टू रिड्यूस द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल, ये पहला रीजन हो गया। दूसरा हो गया कि टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम, टू इंप्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ परफॉर्मेंस सॉरी परफॉर्मेंस ऑफ लर्निंग एल्गोरिदम, ठीक है। तीसरा है हमारे पास, जिससे कि हम इजियर, मतलब इजीली इजीली वी कैन विजुअलाइज द डेटा, हम डेटा को इजीली विजुअलाइज कर सकते,
ठीक है, तो ये तीन मेन वजह है जिसकी वजह से हम ये करते हैं। सो बेसिकली डायमेंशन जो रिडक्शन है, डायमेंशन रिडक्शन की, डायमेंशनलिटी रिडक्शन की दो टेक्निक है हमारे पास में, मतलब दो ही नहीं बहुत सारी टेक्निक होती है यार वैसे तो। सबसे पहले हो गया हमारे पास में पीसीए, प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, ठीक है। फिर है अपने पास में एसवीडी, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन। फिर अगला है हमारे पास में एलडीए, लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस। तो प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस, सिंगुलर वैल्यू डिकम्पोजिशन, लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस। और भी है जैसे टीन साइन हो गई, और भी टेक्निक्स हैं। सो ये बेसिकली इम्पोर्टेंट टेक्निक्स है पीसीए एसवीडी, ठीक है। सो ईच टेक्निक्स यूजेज अ डिफरेंट मेथड टू प्रोजेक्ट द डेटा ऑन टू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस वाइल प्रिजर्विंग इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन। सो मैं आपको सीधी सी चीज़ बताऊं कि मान लीजिए हमारे पास में 3D इमेज है, 3D इमेज है, उसको हमने 1D के अंदर कन्वर्ट कर दिया, 2D के अंदर कन्वर्ट कर दिया। सो इसको हम डायमेंशन रिडक्शन बोलते हैं, ठीक है। एक जो ज़्यादा डायमेंशन की फोटो वो है, ज़्यादा डायमेंशन मतलब 10 डायमेंशन मान लो, 10 फीचर्स है, उनको हमने 2 फीचर्स के अंदर जो इम्पोर्टेंट फीचर्स है उसके अंदर ही हमने कन्वर्ट कर दिया, ये लोअर डायमेंशन होगी, ये हायर डायमेंशन होगी। अब अगला है व्हाट इज डायमेंशनलिटी रिडक्शन। डायमेंशनलिटी रिडक्शन क्या है? सो इट इज अ टेक्निक यूज टू रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स इन अ डेटा सेट विच रिटेन्स एज मच एज ऑफ द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन एज पॉसिबल। दूसरे शब्दों में बात की जाए तो एक प्रोसेस है, ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं हम हायर डायमेंशन को लोअर डायमेंशन में, ठीक, लोअर डायमेंशन के अंदर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं। दैट स्टिल प्रिजर्व्स द इंसेंस ऑफ ओरिजिनल डेटा, जो ओरिजिनल डेटा के जो इसेंस है, जो तत्व है, वो इसके अंदर रहेंगे, जिसकी मदद से आप प्रिडिक्शन कर सकते हैं। इन मशीन लर्निंग हायर डायमेंशनल डेटा रेफर्स टू डेटा विद अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स और वेरिएबल। इसका मतलब है कि यहाँ पर लार्ज नंबर ऑफ वेरिएबल्स हैं या फीचर्स हैं, लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स, ओके, यहाँ पर है लो नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ फीचर्स, ओके। सो द कर्स ऑफ डायमेंशनलिटी इज कॉमन प्रॉब्लम इन मशीन लर्निंग वेयर द परफॉर्मेंस ऑफ मॉडल दैट इज रिवॉर्ड्स एज द नंबर ऑफ फीचर्स इंक्रीजेस। दिस इज बिकॉज द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल इंक्रीजेस विद द नंबर ऑफ फीचर्स एंड इट बिकम्स मोर डिफिकल्ट टू फाइंड अ गुड सॉल्यूशन। क्योंकि यहाँ पर कॉम्प्लेक्सिटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि हम अच्छा सॉल्यूशन उससे निकालना थोड़ा सा हार्ड हो जाता है। इन एडिशन हाई डायमेंशनल डेटा कैन ऑल्सो लीड टू ओवरफिटिंग। जो हायर डायमेंशनल जो डेटा है आपके पास में, उसकी वजह से ओवरफिटिंग हो जाता है बेसिकली, ठीक है। सो ओवरफिटिंग कैन बी अकर ड्यू टू दिस वेयर द मॉडल फिट्स द ट्रेनिंग डेटा टू क्लोजली एंड डज नॉट जनरलाइज वेल टू न्यू डेटा। जहाँ पर जो मॉडल है वो फिट करता है ट्रेनिंग डेटा को बहुत ज़्यादा क्लोजली एंड डज नॉट जनरलाइज, उसको जनरलाइज नहीं कर सकता अच्छी तरीके से नए डेटा के ऊपर, ठीक है। सो इतना ज़्यादा क्लोजली उसको वो करता है, फिट करता है कि नए डेटा के ऊपर उसको जनरलाइज नहीं कर पाता, एक मतलब फंक्शन नहीं ढूंढ पाता जिसकी वजह से वो ये बता पाए कि क्या रिलेशन है। डायमेंशन रिडक्शन कैन हेल्प टू मिटिगेट दीज प्रॉब्लम्स बाय रिड्यूसिंग द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ द मॉडल एंड इम्प्रूविंग इट्स जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस। ये किसको इम्प्रूव कर रहा है? इम्प्रूव दी जनरलाइजेशन, जनरलाइजेशन की जो बात कर रहा था मैं, उसको ये इम्प्रूव कर देता है, जनरलाइजेशन परफॉर्मेंस को ये इम्प्रूव कर देता है, ओके। देर आर टू मेन अप्रोचेस टू डायमेंशनलिटी रिडक्शन। फर्स्ट इज फीचर सिलेक्शन, फीचर सिलेक्शन, एंड सेकेंड वन इज फीचर
एक्सट्रैक्शन। दो हमारे पास में टेक्निक होगी। अब सबसे पहले टेक्निक की बात मतलब अप्रोच की बात करें, फीचर सेलेक्शन की। टेक्निक नहीं है, अप्रोच है, फीचर सेलेक्शन। ठीक है, सो फीचर सेलेक्शन इन्वॉल्व सेलेक्टिंग अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल फीचर्स दैट आर मोस्ट रेलिवेंट टू द प्रॉब्लम एट हैंड। इसके अंदर हम सबसेट सेलेक्ट कर रहे हैं, सबसेट निकाल रहे हैं ओरिजिनल डेटा का, जो ओरिजिनल फीचर है उसका। ठीक है, जो कि रेलिवेंट इंफॉर्मेशन रखता हो। ठीक है, द गोल इज टू रिड्यूस द डायमेंशनलिटी ऑफ द डेटा वाइल रिटेनिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट फीचर्स। देर आर सेवरल मैथड्स फॉर फीचर सेलेक्शन, इंक्लूडिंग फिल्टर मैथड। जो मैथड्स हैं इससे एसोसिएटेड, वो सबसे पहला तो है हमारे पास में फिल्टर मेथड। इसके अंदर हम फिल्टरिंग करते हैं, फिर रैपर रैप कर रहे हैं यहाँ पर हम। थर्ड है हमारा इम्बेडेड, किसी चीज को इम्बेडेड बैड करना। ठीक है, सो ये तीन मेथड्स हैं। फिल्टर मेथड्स के अंदर हम रैंक करते हैं फीचर्स को बेस्ड ऑन देयर रेलिवेंस टू द टारगेट वेरिएबल। ठीक है, तो इसके अंदर हम रैंक, सो इसके अंदर हम क्या करते हैं कि हम रैंक करते हैं फीचर्स को उसकी रेलिवेंसी के अकॉर्डिंग। जो टारगेट वेरिएबल है वो उस टारगेट वेरिएबल के लिए वो कितना रेलिवेंट है, वो पर्टिकुलर फीचर, उसके आधार पे हम उसके अंदर रैंकिंग करते हैं। यहाँ पर हम रैंकिंग करते हैं। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं रैप मेथड के अंदर, ये यूज करते हैं मॉडल परफॉर्मेंस के लिए एज ए क्राइटेरिया ऑफ सेलेक्टिंग फीचर्स। सो दिस मेथड यूज द मॉडल परफॉर्मेंस, ये मॉडल की परफॉर्मेंस को यूज करता है। ठीक है, एज द क्राइटेरिया फॉर सेलेक्टिंग फीचर्स। तो ये बेसिकली मॉडल की परफॉर्मेंस को देखता है कि इसकी परफॉर्मेंस में कितनी कमी आई या ज्यादा आई। अगर ये फीचर लगाने पर इसकी परफॉर्मेंस कितनी बढ़ रही है, ये पर्टिकुलर फीचर लेने पर कितनी कम हो रही है, तो इस तरीके से अपन परफॉर्मेंस को एज ए क्राइटेरिया यूज करेंगे फीचर सेलेक्टिंग के लिए। फिर अपने पास में एम्बेडेड मेथड, तो ये कंबाइन करता है फीचर सिलेक्शंस को विद द मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस। सो ये कंबाइन कर रहा है फीचर सिलेक्शन को मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस के साथ में, फीचर सिलेक्शन को फीचर सिलेक्शन को प्लस मॉडल ट्रेनिंग प्रोसेस दोनों को कंबाइन कर रहा है। ठीक है, इसीलिए इसको एम्बेडेड मेथड भी बोला जाता है। सो अब अपना हो गया फीचर सिलेक्शन, पहली अप्रोच। अब होगी दूसरी अप्रोच अपनी, फीचर एक्सट्रैक्शन। ठीक है, सो इस अप्रोच के अंदर हम क्या करेंगे, इट इन्वॉल्व क्रिएटिंग न्यू फीचर्स बाय कंबाइनिंग और ट्रांसफॉर्मिंग द ओरिजिनल डेटा। ये क्या करता है, क्रिएट करता है न्यू फीचर्स को हम इसके जरिए क्रिएट कर सकते हैं। किस दौरान, किसके जरिए, हम कंबाइन कर लेंगे या फिर ट्रांसफॉर्म कर लेंगे जो हमारा ओरिजिनल डेटा है। ओरिजिनल डेटा को कंबाइन या फिर ट्रांसफॉर्म करके हम ये बनाएंगे। ठीक है, द गोल इज टू क्रिएट अ सेट ऑफ फीचर्स दैट कैप्चर्स द एसेंस ऑफ ओरिजिनल डेटा इन द लोअर डायमेंशनल स्पेस। यहाँ अपना गोल है कि हम एक सेट ऑफ फीचर्स को लेके आए जिसके अंदर तत्व है ओरिजिनल डेटा के ही, लेकिन वो जो डेटा होना चाहिए, जो फीचर्स होने चाहिए, वो लोअर डायमेंशन में होने चाहिए। ठीक है, लोअर डायमेंशन में होने चाहिए। हमारा गोल यही है कि हम क्रिएट करें एक सेट ऑफ फीचर्स को जो कि कैप्चर करता हो ओरिजिनल डेटा के ही इसेंस को, जो ओरिजिनल डेटा के तत्व हैं उसे ही वो कैप्चर करता हो।
लेकिन लोअर डायमेंशन के अंदर। देर आर सेवरल मेथड फॉर फीचर एक्सट्रैक्शन। इसके अंदर हमारे पास में पीसीए मेथड है, ठीक है, टी डिस्ट्रीब्यूटेड स्टॉक टिकेट जो नेबर इम्बेडिंग मेथड है वो भी है इसके अंदर, टी सेम, और एलडीए भी इसी का ही मेथड है, ठीक है। सो एलडीए तो मैंने आपको बता ही दिया, लीनियर डिस्क्रिमिनेट एनालिसिस के बारे में। पीसीए इज द पॉपुलर टेक्निक दैट प्रोजेक्ट्स द ओरिजिनल फीचर्स इनटू अ लोअर डायमेंशनल स्पेस व्हाइल प्रिजर्विंग एज मच एज ऑफ वेरिएंस एज पॉसिबल। सो ये पीसीए का, एक एक करके हम इनके बारे में देखेंगे कि क्या पीसीए है, क्या एलडीए, क्या टी सेन है, ठीक है। मैंने साइन बताया था लेकिन सेन होता है, इसकी फुल फॉर्म लिख देता हूँ, स्टोकेस्टिक नेबरिंग इम्बेडिंग होता है बेसिकली, नेबर इम्बेडिंग, ठीक है। सो ये हमारा बेसिकली फीचर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, ये फीचर एक्सट्रैक्शन है और वो ऊपर वाले फीचर सिलेक्शन है। तो हमारे पास में दो अप्रोचेज हो गई, एक तो फीचर एक्सट्रैक्शन और एक फीचर आपका सिलेक्शन, एक्सट्रैक्शन एंड सिलेक्शन। सो आई होप आपको ये समझ में आया। अब व्हाई डायमेंशनल रिडक्शन इंपॉर्टेंट टू मशीन लर्निंग एंड प्रेडिक्टिव मॉडलिंग। सो एन इंट्यूटिव एग्जाम्पल ऑफ डायमेंशन रिडक्शन कैन बी डिस्कस थ्रू अ सिंपल ईमेल क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम। हम सिंपल ईमेल जो क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम है इसके थ्रू हम इसको समझ सकते हैं, ईमेल क्लासिफिकेशन स्पैम है या फिर स्पैम नहीं है, वो है प्रॉब्लम, ठीक है। वेयर वी नीड टू क्लासिफाई वेदर ईमेल इज स्पैम और नॉट। दिस कैन इन्वॉल्व अ लार्ज नंबर ऑफ फीचर्स सच एज वेदर और नॉट द ईमेल हैज जेनरिक टाइटल, उसका एक टाइटल है या नहीं है। सबसे पहला तो हो गया कि जेनरिक टाइटल, ये बुलियन वैल्यू हो गई, ठीक है। फिर बाद में द कॉन्टेंट ऑफ द ईमेल, मान लो कि ईमेल के अंदर कोई कॉन्टेंट ही नहीं है। वेदर द ईमेल यूजेज अ टेम्पलेट, उसके अंदर टेम्पलेट है या नहीं है, कॉन्टेंट है या नहीं है, उसी के आधार पे वो स्पैम या नॉट स्पैम की कैटेगरी में आता है। हाउ एवर सम ऑफ दीज फीचर्स में ओवरलैप। अब आप देखो ये कुछ जो फीचर्स हैं वो ओवरलैप कर रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। इन अदर कंडीशन अ क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम दैट रिलाइज ऑन बोथ ह्यूमिडिटी एंड रेनफॉल कैन कोलैप्स इनटू जस्ट वन अंडरलाइंग फीचर सिंस बोथ ऑफ फोर मेंशन एंड कोरिलेटेड टू अ हाई डिग्री। अब ह्यूमिडिटी और रेनफॉल एक दूसरे से हाईली कोरिलेटेड है, इनकी जो कोरिलेशन है वो बोथ आर हाईली कोरिलेटेड। इसको कह सकते हो आप कि मतलब वन के करीब करीब है, बहुत ज्यादा वन के करीब है, ठीक है। सो हेंस वी कैन रिड्यूस द नंबर ऑफ फीचर्स इन सच प्रॉब्लम्स। अ 3D क्लासिफिकेशन प्रॉब्लम्स कैन बी हार्ड टू विजुअलाइज, वेयर एज 2D कैन 2D वन कैन बी मैप्ड टू अ सिंपल 2D डायमेंशनल स्पेस एंड अ 1D प्रॉब्लम इज अ सिंपल लाइन दैट वी नो द बिलो दैट पर्टिकुलर इमेज। लेट मी शो यू दिस इमेज। सो हियर इन दिस इमेज यू कैन सी दिस इज 3D। सो वी हैव रिड्यूस्ड दैट वाई पार्ट। सो एज वी कैन सी, ये देखो वाई ऊपर की तरफ है, ये एक्स एंड सॉरी जेड ऊपर की तरफ है और वाई इधर है, ठीक है। सो जैसे ही मैंने वाई रिड्यूस किया ये इसकी लेंथ चली गई यहाँ से, तो लेंथ चली गई, ये हमें दो फीचर दिख रहे हैं, ठीक है। अब मैं वाई को भी हटा दूँ तो मेरे को तो सिर्फ ये सिंपल एक लाइन दिखेगी यहाँ पर, ठीक है, जो मैं इधर से देखूंगा वाई के प्रोस्पेक्टिव से देखूंगा, ठीक है।
सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर जब मैंने इसकी एक्स एक्सेस को हटाया, अगर मैं एक्स एक्सेस को रिड्यूस कर दूंगा तो मेरे को सिर्फ एक लाइन दिखेगी इसकी, ये वाली लाइन दिखेगी मेरे को सिर्फ, ठीक है। तो ये है जब जब मैंने जेड को हटाया यहाँ पर, और ये वाली जब मैंने वाई को इसको एक्स को हटाया, ठीक है। सो दिस इमेज वेयर 2D फीचर स्पेस इज स्प्लिटेड इनटू 2 डायमेंशनल स्पेसेस एंड लेटर वी फाउंड टू बी कोरिलेटेड, द नंबर ऑफ फीचर्स कैन बी रिड्यूस्ड इवन फर्दर। सो देर आर टू कंपोनेंट्स ऑफ डायमेंशन रिडक्शन। फर्स्ट एज आई टोल्ड यू फीचर सिलेक्शन, सो दो कंपोनेंट के बारे में बता देता हूँ। एक तो हो गया हमारा फीचर सिलेक्शन। सो इन दिस वी ट्राई टू फाइंड अ सबसेट ऑफ ओरिजिनल सेट ऑफ वेरिएबल्स और फीचर्स टू गेट अ स्मॉलर सबसेट वेयर वी कैन बी यूज टू एंड वी कैन यूज इट टू मॉडल द प्रॉब्लम। इट यूजली इन्वॉल्व्स 3 वेज, फर्स्ट इज फिल्टर, देन इज वेपर एंड अनदर वन इज एम्बेडेड। वेयर फीचर एक्सट्रैक्शन, दिस रिड्यूसेज द डेटा इन हाई डायमेंशनल स्पेस टू लोअर डायमेंशनल स्पेस, दैट इज ए स्पेस विद लेसर नंबर ऑफ डायमेंशन। सो मैथड्स ऑफ डायमेंशनलिटी रिडक्शन वी हैव पी सी ए, एल डी ए एंड वन मोर लेट मी टेल यू जी डी ए। जी डी ए, सो दिस इज जनरलाइज्ड डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस। ये एल डी ए जैसा ही है यार, कुछ नया नहीं, ठीक है। सो डायमेंशनल रिडक्शन में भी बहुत लीनियर एंड नॉन लीनियर डिपेंडिंग अपॉन द मेथड यूज्ड। द प्राइम लीनियर मेथड कॉल्ड प्रिंसिपल कंपोनेंट एनालिसिस और पी सी ए। सो वट इज पी सी ए, लेट्स टॉक अबाउट पी सी ए। दिस मैथड वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। पी सी ए, सो इट इज इंट्रोड्यूस्ड बाय कार्ल पियर्सन। सो इट वर्क्स ऑन द कंडीशन दैट व्हाइल द डेटा इज हायर डायमेंशनल इज मैप्ड टू अ लोअर डायमेंशन। ओके, सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस। सॉरी, हियर लेट मी टेल यू, लेट मी शो यू द इमेज हियर। ओके, दिस इज द इमेज वी हैव। ओके, सो व्हाट वी आर डूइंग, व्हाइल द डेटा इन द हायर डायमेंशनल स्पेस इज मैप्ड टू डेटा इन द लोअर डायमेंशनल स्पेस, द वेरियंस ऑफ द डेटा इन द लोअर डायमेंशनल स्पेस शुड बी मैक्सिमम। जो उसका वेरियंस है वो ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, तभी वो मतलब उसमें जा पाएगा, नहीं तो नहीं जा पाएगा। एज एन एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, कहाँ गया अपना वाइट बोर्ड, ये है। मान लीजिए कि हमारे पास में ये एक्सेस है, 2 एक्सेस है, X2 और ये X1, ठीक है। सो कुछ इस तरीके से डेटा है हमारे पास में, ठीक है। तो हम जो वेरिएंस देख पा रहे हैं यहाँ पर, इसका वेरिएंस कम है, वही वेरिएंस मतलब फैलाव, इसका फैलाव इस पर्टिकुलर एक्सेस पे इसका फैलाव कितना है, ठीक है। वहीं दूसरा अपन ये देख सकते हैं, ये वाला यहाँ पर देखिए, इसका वेरिएंस यहाँ ज़्यादा है, ठीक है, ये देखिए वेरिएंस ज़्यादा है कंपेरेटिवली, इसका वेरिएंस यहाँ पर ज़्यादा है। सो इसके अंदर फॉलोइंग स्टेप्स हमारे पास में आते हैं, जैसे इस इमेज के अंदर भी दिख रहा होगा, यहाँ पर ये हमारे पास में वेरिएंस ज़्यादा है यहाँ पर, ठीक है, फैलाव जो है वो ज़्यादा है। सो इट इन्वॉल्व्स दी फॉलोइंग स्टेप, लेट मी टेल यू। फर्स्ट स्टेप इज कंस्ट्रक्ट द को वेरियंस मैट्रिक्स ऑफ द डेटा। हमें को वेरियंस जो मैट्रिक्स है डेटा की, उसको कंस्ट्रक्ट करने की ज़रूरत है ऑफ द डेटा, ठीक है, कर ली।
सेकंड हम आइगन वेक्टर्स निकाल लेंगे मैट्रिक्स के, फाइंड दी आइगन वेक्टर वेक्टर ओके ऑफ दिस मैट्रिक्स। ये जो मैट्रिक्स हमारे पास में आई है, इस मैट्रिक्स का हम कोवेरियंस निकालेंगे, वो आइगन वेक्टर निकालेंगे। अब आइगन वेक्टर्स कॉरेस्पॉन्डिंग टू द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आर यूज्ड टू रिकंस्ट्रक्ट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वेरियंस ऑफ द ओरिजिनल डेटा। अब जो आइगन वेक्टर है असल में अपना, वो कॉरेस्पॉन्ड करता है लार्जेस्ट आइगन वैल्यू को, ठीक है, और दैट आर यूज टू, विच इज यूज टू कंस्ट्रक्ट, दैट पर्टिकुलर थिंग इज यूज टू कंस्ट्रक्ट अ लार्ज फ्रैक्शन ऑफ वेरियंस ऑफ द ओरिजिनल डेटा। जो ओरिजिनल डेटा का वो फ्रैक्शन है निकालने में मदद करता है, ठीक है, ओरिजिनल डेटा। हेंस वी आर लेफ्ट विद अ लेसर नंबर ऑफ आइगन वेक्टर्स एंड देयर माइट हैव बीन सम डेटा लॉस इन द प्रोसेस, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट वेरियंस शुड बी रिटेन्ड बाय द रिमेनिंग आइगन वेक्टर्स। सो आई विल टेल यू ऑल दीज थिंग्स इन माई अपकमिंग वीडियो अबाउट BCA एंड अबाउट ऑल दीज थिंग्स। सो लेट मी टेल यू एडवांटेज डेटा कंप्रेशन एंड इससे हमारी जो स्टोरेज है वो भी कम हो जाएगी, ठीक है। सो सबसे पहले तो स्टोरेज स्पेस लगती है, ठीक है, डेटा कंप्रेशन से। अब कंप्यूटेशनल टाइम भी कम हो जाएगा हमारा, कंप्यूटेशन टाइम कम हो जाएगा, रिडंडेंट फीचर्स जो हैं वो हमारे रिमूव हो जाएंगे अगर कोई है तो, विजुअलाइजेशन इम्प्रूव हो जाएगी। सो इट इम्प्रूव विजुअलाइजेशन, फिर ओवरफिटिंग की प्रॉब्लम भी इससे दूर होगी। सो यहाँ से ओवरफिटिंग प्रिवेंशन, फीचर एक्सट्रैक्शन, जितने भी फीचर हैं उसको हम एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, फीचर एक्सट्रैक्शन विंडो से, इट हेल्प्स, इट कैन हेल्प टू एक्सट्रैक्टिंग इंपॉर्टेंट फीचर फ्रॉम हायर डायमेंशनल डेटा विच कैन बी यूजफुल इन फीचर सिलेक्शन फॉर मशीन लर्निंग मॉडल्स एंड देन डेटा प्री प्रोसेसिंग एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस। डिसएडवांटेज ये है कि भाई कुछ डेटा लॉस हो सकता है, डिसएडवांटेज हो गए इसके। टेच डेटा लॉस हो गया सबसे बड़ा। PCA टेंड्स टू फाइंड लीनियर कोरिलेशन बिटवीन वेरिएबल्स विच इज समटाइम्स अनडिजायरेबल। जो PCA फेल्स इन केसेस वेयर मीन एंड कोवेरियंस आर नॉट इनफ टू डिफाइन डेटा सेट्स, ठीक है। वी कैन नॉट नो हाउ मेनी प्रिंसिपल कंपोनेंट्स टू कीप इन प्रैक्टिस, सम थंब रूल्स आर अप्लाइड। फिर इंटरप्रिटेबिलिटी, ओवरफिटिंग, सेंसिटिविटी ऑफ आउटलायर्स, सम डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक्स आर सेंसिटिविटी टू आउटलायर्स विच कैन रिजल्ट इन बायस्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डेटा। इम्पोर्टेंट है फिर कंप्यूटेशनल कॉम्प्लेक्सिटी। सो सम डायमेंशनल रिडक्शन टेक्निक्स सच एज मैनफोल्ड लर्निंग कैन बी कंप्यूटेशनली इंटेंसिव, स्पेशली व्हेन डीलिंग विद लार्ज डेटा सेट्स। सो ये हमारे हो गए इससे रिलेटेड डिसएडवांटेज। सो आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई, अगर कोई डाउट है तो कमेंट कीजिए। थैंक यू एंड हैव अ गुड।